पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने मंगलवार को भोपाल के कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी जनता से वादे करती है और जब वादे पूरे नहीं होते तो फिर से नए वादे कर पुराने वादों को भुलाने की कोशिश करती है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बुद्ध ये भले लगा, जवाहरलाल नेहरू और जो महानायक हमारे रहे, बड़े बड़े देश के राष्ट्रीय आंदोलन में हम उनकी सोच के साथ जुड़े लोग, और ये अपमान किसी सोच विचारधारा का कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। राजनीति में चुनाव आते हैं, प्रजातंत्र के अंदर चुनाव चले जाएंगे, पर कहे हुए शब्द वापिस नहीं होते। प्रधानमंत्री जी इस बात को याद रखें, लोग याद रखते हैं, सारे लोग नहीं भूलते। इस चुनाव में भी बीजेपी क्या कर रही, नए वायदे नए आरोप। मैं आपत्ति नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी एक शायद पहली बार ऐसा अनुभव हो रहा है 2014 से कि वायदे करें वायदे निभाए ना, जब लोग हिसाब मांगे तो नए वायदे कर दो, ये सोचते हुए कि पुराने वायदे भूल गए। इनके अपने वायदे, ये मध्य प्रदेश को क्या वायदे देंगे, पहले तो अपने वायदों का हिसाब दे दें। मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि उनको सच्चाई सुनने का मिजाज उनका नहीं, नाराज हो जाते। ये जवाबदेही तो लोकसभा चुनाव में तय होगी, इस बार तो निश्चित रूप में, पहले भी विधानसभा में तय हो जाए, मध्य प्रदेश की सरकार की, यहाँ के मुख्यमंत्री की, कि क्या जो सिद्धांत की बात करते हैं जिन्होंने चोरी से सरकार बनाई हो। बता दें कि मध्य प्रदेश में मतदान 17 नवंबर को होंगे, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को सामने आएगा। भोपाल से मृदुभाषी प्रदेश के लिए रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।